अमित जी, परिवारवाद को भी लेकर के अगर हम बहस करने लगे प्राइम टाइम पे, अगर अगर देश की जनता को क्या इतना मूर्ख समझ के रखा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस देश को 70 वर्षों से ऊपर एक डायनेस्टी ने, और मैं डायनेस्टी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, एक डायनेस्टी ने लगातार किसी न किसी माध्यम से रूल किया है इसके ऊपर। और यही वजह थी कि 2013-14 में जब चुनावी कैंपेन पीक पर था तो परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स से वो अपना पल्ला झाड़ सकते हैं तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और इस तरीके का विजन दें कि वो देख सकें कि देश की जनता क्या चाहती है, क्या सुन रही है। आज बिहार से मैं आती हूँ, आज बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे सबसे बड़ा प्रश्न आम जनता के मन में यही है कि राजा का बेटा राजा क्यों बने। ठीक है, मैं जातिगत राजनीति को बीच में ला करके ये बात नहीं कहना चाहूंगी कि फलाने जाति का की अवमानना हुई या फलाने जाति का उत्थान हुआ अगर ये लीडर बढ़े तो, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि हम ऐसा अज्यूम करके क्यों चलते हैं कि जिस खानदान ने एक अलग तरीके की राजनीति की बिसात बिछाई वह उसी खानदान का बेटा या उसी खानदान की बेटी उस राजनीति को आगे ले जा सकती है। मैं तीखे प्रश्न पूछूंगी तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं परिवारवाद का समर्थक नहीं हूँ या हमारी पार्टी परिवारवाद की नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि क्या वो अज्यूम भी कर सकते हैं कि वो अपने पार्टी के अध्यक्ष बने। सिंपल सा सवाल है, वो अज्यूम कर सकते हैं कि वो अपनी पार्टी में सर्वे सर्वा के रूप में अपने आप को घोषित करें। ठीक है, अध्यक्ष बनना न बनना वो अलग बात होती है, लेकिन आज हम सारी डिबेट करते करते हम 2-3 लोगों के ऊपर आकर के टिक जाते हैं, वो राहुल गांधी हो जाते हैं, वो अजीत पवार हो जाते हैं, वो तमाम नाम आप ले सकते हैं, अलग 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 परिवारों के आप नाम ले सकते हैं, पर हम इसके बियॉन्ड उठ करके मुद्दों पे बात कब करेंगे? ये बात सच, किसी ने पैनल में कहा कि मणिपुर पर चर्चा कब होगी? सर्वदलीय बैठक जब होती है, सर्वदलीय बैठक जब होती है तो कौन से पॉलिटिकल पार्टीज गायब होते हैं? ठीक है, एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा मेक इस पॉइंट। आप बिहार से आती हैं, आपकी जानकारी में इजाफा, बिहार के प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके पिता भी वही थे, उनके पिता भी सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, कभी कांग्रेस में थे, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते बीजेपी पहुंच गए थे। तो परिवारवाद पर एक चीज स्पष्ट है, राजद पे कुछ कहेंगे? मैं उस पर आ रहा था कि आप बीच आप में राजद पर कहेंगे? मैं उस पर आ रहा था, बिल्कुल कहूंगा। नहीं, मैं बीच में नहीं, मैंने क्या, मैंने अब आप चुप हो जाइए तो कह लूं, अगर आप थोड़ा चुप हो जाए तो हम कह लें। नहीं, मैं चुप इसलिए नहीं होंगी क्योंकि आपने जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा पोर्ट्रे किया। तो हम आपको सुन लेते हैं, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। ये जो तानाशाही है ना कि बस आप ही बोलिए और हम सुनते रहे, चलिए आप ही बोलिए, तानाशाही नहीं है, नेता आप हैं, इसलिए आप मेरी बात को मोर तड़ोर का नहीं कीजिए। सिंपल सी बात, क्या मैंने कहा? अमित जी, दोबारा से रील बैक करके बताइए, क्या मैंने कहा कि क्या मैंने भारतीय जनता पार्टी का की पैरोकारी की? क्या मैंने कहा कि सम्राट चौधरी का नाम लिया मैंने? क्या मैंने? आपने सिर्फ दो पार्टी का नाम लिया, क्यों ले रहे हैं? अगर परिवारवाद पे एक चर्चा अमित देवगन जी कराए पूरी की पूरी डिबेट तो मैं करने को तैयार हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है, प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, लेकिन अगर अमित देवगन जी परिवारवाद पर इस देश में बहस कराना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला, एक सवाल बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री ने बोला परिवारवाद, जनता, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण, भारत को छोड़ो, क्विट इंडिया तंत्र में वो चीट इंडिया वाले लोग क्या बात करेंगे क्विट इंडिया का? जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था उसमें मोदी जी थे क्या? उनके पार्टी के कोई लोग थे क्या शामिल? बिल्कुल नहीं थे। चीट इंडिया वाले लोग हमें लेक्चर ना दें। पहली बात, अडानी के साथ पूरे देश को चीट किया, अडानी के साथ पूरे देश को चीट किया, क्या उसका हिसाब हम लेंगे? परिवारवाद पे एक लाइन, जिन लोगों को देश की जनता ने लोकतंत्र में चुनकर सदन के संसद में भेजा है, मैं उन जनता के विवेक पर सवाल नहीं उठाना चाहता। जो परिवार शहीद हो गए, राजीव गांधी शहीद हो गए, मैं उनके शहादत पर सवाल नहीं उठाना चाहता। सवाल यह है, सवाल यह है, गांधी की शहादत पर सवाल नहीं उठा रहा। खड़गे खड़गे वहाँ के खड़गे अध्यक्ष खड़गे साहब, जिसको जनता चुनकर भेज देती है, मैं उन जनता को प्रणाम करता हूँ। परिवारवाद पर राहुल के बाद या राहुल के आसपास क्या करता मुझे गलत किया जाएगा तो मैं बोलने नहीं दूंगी।
मैं घर तक छोड़कर आऊं, हर डिबेट में आप ये करते हैं और डिबेट के बाद कहते हैं कि आप मुझे माफ कीजिएगा, जरा गहमा गहमी में हो गया। ऐसा नहीं होगा, ये पोस्ट डिबेट पीआर करना बंद कीजिए। अभी जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर बात कीजिए। आपके सवाल का सम्राट चौधरी के ऊपर सवाल उठाया मैंने, सवालों का जवाब देने मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी की मैंने, तो आपने किस हैसियत से मुझे इस तरीके से सवाल जवाब किया? नहीं, आपने मैंने जब राजद का नाम लिया था ना, राजद का भी नाम नहीं लिया धारा तो भी आपको ठीक है। मैं डॉक्टर अजय लोक नेहरू कर रहे हैं डॉक्टर अजय लोक, क्योंकि क्योंकि इन्होंने बोला काला मन बीजेपी का है और लेकिन काले आपने काली करतूते काला मन जो भी आपने बोला, लेकिन काले कपड़े इन्होंने डाले हुए थे। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हुई, योर टेक। देखिए सत्यप्रकाश जी को मैं बस एक सवाल पूछूंगा, जो मेरे बात खत्म करने के बाद जवाब दीजिएगा, बीच में नहीं। लालू यादव तो भ्रष्टाचारी है या सदाचारी है, पहले इसका जवाब दे दीजिएगा कि कोर्ट से सजा में याफ्ता है। और काला कपड़ा और काला मन किसका होता है, भ्रष्टाचारी का या सदाचारी का? कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप को मत कीजिए, ये नीतीश कुमार की आदत होगी। लेकिन देखिए विपक्ष कह रहा है झूठ बोले कौवा काटे, तो लगातार वो कॉन्ट्राडिक्शन की आदत सब में जा रही है। विपक्ष ने अभी सत्यप्रकाश मिश्रा ने बोला झूठ बोले कौवा काटे, चीट इंडिया। हाँ तो कौवा काटा ना, कल कौवा तो काटा, कल राघव चड्ढा को कौवे ने काटा, तो राघव चड्ढा क्या चोर हो गए इनके हिसाब से, सत्यप्रकाश जी के हिसाब से? बताइए, आपके तरफ झूठे को कौवे ने काट ले जा रहे हैं, राघव चड्ढा चोर हो गए एक अलग बात है। हमने कहा जो 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 लोग इस देश को चीट करेंगे, नहीं पर कौवे वाले मामले में अभी आपने कहा होली के अलग कौवा काटेगा, लेकिन कौवे वाले मामले के अंदर, ये कौवे वाले मामले में राघव चड्ढा पर ही कौवे ने अटैक करा होली। अभी कौवा बहुत लोगों को अटैक करेगा, अभी देखते जाइए ना, बीजेपी के कौवे से भाग रहे हैं। आप एक चीज को समझिए, अजय जी के सवाल झूठ बोले कौवा काटे, अजय जी के सवालों का जवाब सत्यप्रकाश जी एक जो उल्टा पड़ गया थोड़ा, झूठ बोले कौवा काटे वो तस्वीरें दिखाइए, वो जो कौवे का मतलब राघव जी सुरक्षित है, मेरी उनसे बात हुई, राघव जी सुरक्षित है, हमारे साथ कार्यक्रम में भी वो जुड़ेंगे, वो शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, लेकिन वो राघव जी को हुआ था तो आप उल्टा बोल रहे हैं। अजय जी के सवालों का जवाब दे दूं मैं आपको, एक बात का अजय लोग की बात को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 30 सेकंड में। अजय आलोक, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, INDIA की बैठक में आज सुबह कांग्रेस पार्टी पे सभी ने गुस्सा निकाल दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अकेले रेजोल्यूशन कैसे मूव कर दिया, बड़ा यूनाइटेड है INDIA। अजय सत्यप्रकाश जी ये भी बताइएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग जिसको राहुल गांधी सेक्युलर की सर्टिफिकेट दे चुके हैं लंदन में, कल उनकी रैली निकली थी, उसमें कहा था हिंदुओं को मंदिर के आगे फांसी टाल देंगे और हिंदुओं को मंदिर के आगे जला देंगे। आप भी हिंदू हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग के साथ गठबंधन में रहेंगे? अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, उसका रुख करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत बड़ी खबर।